Hello everybody and welcome back to the channel once again.

अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इससे पहले हमने जो बाकी के तीन पार्ट्स किए हैं उनके अंदर सिंपली वर्ड्स में बोलूं तो हमने किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जिसके अंदर आता है आपका डाई हाय सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओके okay, और जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन होता है इसके अंदर जनरली आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस ना व्हाट इज मोनो हाइब्रिड एंड व्हाट इज डाई हाइब्रिड मोनो और डाई के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा मोनो मीन सिंगल डाई मतलब डबल ओके okay, तो जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन था उसके अंदर हमने किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था लाइक like, अगर हम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से थी चीजें कि अगर हम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है राइट right? अब लेकिन अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात छोड़ें अब अगर हम आते हैं डाई हाइब्रिड पे जो कि है ऑफ टू जीन तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमने सीड के कलर को कंसिडर किया है जस्ट लाइक like अगर हमारा सीड जो है वो येलो कलर का है और स्मॉल वाई में लिख देंगे ये हो जाएगा ग्रीन कलर ओके okay? और हमारे सीड की शेप ये है राउंड फॉर कैपिटल आर ठीक है कैपिटल आर के लिए राउंड का यूज करें क्योंकि वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल का तो ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हो गए एक हो गया सीड का कलर एक हो गया सीड का शेप जब इन दोनों को हम क्रॉस कराते हैं इन दोनों को कंसिडर करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज इन डाई क्रॉस वी कंसिडर टू कैरेक्टर्स ठीक है एग्जाम्पल दे सकते हो आप सीड कलर एंड सीड शेप एक साथ कंसिडर करना तो ये सभी आते हैं डाई क्रॉस में और ये है जनरली इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स राइट तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया चलिए यहाँ देखते कि यहाँ एक सेकेंड वर्क क्रॉस पी प्लांट्स दैट डिफरेंट सॉरी प्लांट इन टू कैरेक्टर्स जो मेंडल है उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया था कि सिर्फ uh, किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करके उसके दो पार्ट्स को उसने क्रॉस आउट करवाया नहीं उसने ऐसे भी कई कैरेक्टर्स लिए जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थे एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट एज सी जो देखा गया है पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया जिसके पास सीड थे विद येलो कलर के और राउंड शेप के और दूसरे सीड थे जो किस तरीके के थे ग्रीन कलर के और रिंकल शेप के ठीक है ये आपको फिगर आगे मैं दिखाऊंगी जो आपके साथ चार्ट बनाया हुआ है उस चार्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा मेंडल फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप मेंडल ने यहाँ देखा कि जो सीड्स uh, जो आउटकम आ रहा है जो ऑफ आ रहा है इस क्रॉस का वो हो रहा है कि जो कलर uh, है सीड का वो येलो कलर में आ रहा है और शेप जो है वो राउंड आ रही है इट मीन्स क्लियर कट यहाँ पर डोमिनेंट जो चीज़ें हैं वो अपना अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं और चाहे वो दोनों अलग अलग डिफरेंट तरीके की कैरेक्टर्स uh, को लिया है बट वो अप होकर एक बीच की चीज़ें निकाल रही हैं जैसे कि अगर राउंड शेप है तो येलो कलर मिल रहा है ठीक है ग्रीन कलर है तो रिंकल शेप आ रही है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर बहुत ईजिली हो जाता है और इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ तो वन जीन ठीक है दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड दीज वर आइडेंटिकल टू दैट ही गॉट वेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज उसको पता था मेंडल को कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर ठीक है और जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल शेप के ऊपर तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर श्योर था कि रिजल्ट यही आने वाला है क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे उसके पास उसने ये दोनों चीज़ों को अलग अलग क्रॉस आउट करवा लिया था और जो चीज़ डोमिनेंट होके लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करके निकल के आई थी एज अ ऑफ स्प्रिंग वो चीज़ें उसने वहाँ पर समझी थी तो आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया और ये समझाने के लिए इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूंगी जो आपकी एनसीईआरटी में भी आगे गिवन है राइट right? तो आप यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा फर्स्टली पेरेंट्स से ठीक है पेरेंट्स से क्या किया उन्होंने राउंड ये कैपिटल आर दोनों है राउंड के लिए और दोनों कैपिटल वाई हैं येलो के लिए उसको क्रॉस करवाया रिंकल्ड ठीक है रिंकल्ड सीड्स स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एंड ग्रीन कलर के जो सीड हैं यानी कि स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई इन दोनों को जब वो क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या होगा ये देखिए मैं यहाँ रब कर दूँगी तो आप प्लीज़ स्क्रीन ले लीजिएगा ठीक है यहाँ पर होगा दो चीज़ें फॉर्म होंगी एक होगा आर वाई ठीक है एक होगा आर और स्मॉल वाई ठीक है अब इस चीज़ को हम आगे जब कंसिडर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगी राइट कुछ इस तरीके से निकल के आएगी आपको क्रॉस करना आएगा सब तक आ गया होगा तो कैसा सीड निकल के आएगा ये है आर कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब डोमिनेंट कौन सा होगा राउंड वाला कैपिटल ऑवर वाला आ, राइट उसके बाद कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो इसमें कौन सा डोमिनेंट होगा येलो वाला ओके येलो वाला क्यों क्योंकि येलो वाला डोमिनेंट है यहाँ पर कैपिटल वाई है यहाँ पर जैसा हम टी सॉरी जैसा हम पी प्लांट में टॉल या डॉर्फ के लिए कर रहे थे सेम यहाँ पर कलर के लिए करना है तो ये जो है ये हो गए आपके गैमिट्स और ये वाली जो कंडीशन है ये हो गई आपकी एफ वन जनरेशन राइट right. अब इसी एफ वन जनरेशन को आपको क्रॉस करवाना है अब आपको क्रॉस कैसे करवाओगे ये आप बहुत ही ध्यान से देखना ये देखिए सबसे पहले लिख लीजिए चार पार्ट्स में आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई राइट बिल्कुल करेक्ट है यहां पर आप बना लीजिए एक बॉक्स ठीक है मैं आपको बहुत सिंपल समझा रही हूँ आप प्लीज इस चीज को समझिए इससे इजीली आपको मिलेगा नहीं और आप चीज़ों को इजीली समझ पाओगे राइट अगर आप ध्यान दे रहे हो मेरे लेक्चर पे अभी पहले हम बना लेते हैं वापस यही सेम चीज़ रिपीट करो ठीक है एंड आर वाई राइट अब आपको बनाना है एक बहुत ही सिंपल क्रॉस कैसे इसको इससे क्रॉस करवाओ क्या आएगा यही आएगा ठीक है तो कैसा हो गया सीड राउंड एंड येलो आपको पता है कि डोमिनेंट वन के लिए हम येलो ले रहे हैं कैपिटल वाई ले रहे हैं और डोमिनेंट सीड जो है जिसकी शेप क्या होगी वो राउंड ले रहे हैं कैपिटल आर के लिए राउंड ले रहे हैं स्मॉल आर के लिए रिंकल ले रहे हैं और स्मॉल वाई के लिए क्या ले रहे हैं हम एग्जैक्टली ग्रीन ठीक है अब हम इसको और इसको क्रॉस कराते हैं इसको क्रॉस कराएंगे इसको और इसको तो क्रॉस कैसा आ जाएगा आर आर वाई एंड वाई राइट राउंड एंड येलो अब आप इसी आर वाई को इस आर वाई से क्रॉस करवाओ एक ऐसी करो इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे इसको इससे ऐसे इस 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 आप क्रॉस कराते जाओगे तो आप इजीली चीजें समझ जाओगे ठीक है तो आपको क्रॉस कराना आ गया मैं जल्दी जल्दी लिख दूँ क्या क्या क्रॉस आएंगे ठीक है तो इसको इससे कराएंगे तो क्रॉस आएगा आपका राउंड एंड येलो राइट अगर आप इसको इससे कराओगे तो क्रॉस आएगा आपका एक सेकेंड राउंड एंड येलो अगेन क्यों बिकॉज डोमिनेंट डोमिनेंट राइट नेक्स्ट कराते हैं आर आर वाई एन वाई क्या आएगा डोमिनेंट अब ये चीज जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना ये चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी देखो ये जो चीज आप देख रहे हो अपने सामने ये सेम वही है ये सेम क्या है सेम एक्सप्लेनेशन है ठीक है बट जो वो चीज़ है वो चेंज कर दी अगर आप इसको थोड़ा शिफ्ट करके देखोगे तो सेम है इसको इससे क्रॉस कराया गया फिर इसको इससे क्रॉस कराया गया फिर इसको इससे फिर इसको इससे तो आपके पास पूरी जनरेशन सामने है ठीक है तो यही क्रॉस में वहां पर भी आपको कर रही थी तो ये टेबल के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है बोल सकते हैं कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना है तो आपको क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है ये वाला सेम राइट आपको बनाना तो आ गया मैंने पिछले एक जो अभी मैंने अभी बनाया था टेबल उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया था अब मेन बात है फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने राउंड हैं और येलो हैं कितने रिंकल्ड और ग्रीन हैं ठीक है कितने राउंड और ग्रीन हैं कितने रिंकल्ड और येलो हैं ठीक है तो यहां पर बहुत ही सिंपल चीजों में आपको बताऊं कि यहां पर राउंड और येलो सबसे ज्यादा है राउंड और ये देखो तो ये वाले कलर में जितने भी हैं वो हैं राउंड और येलो तो वो हैं नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन राइट तो ये हो गए नाइन तो राउंड और येलो हैं उसके बाद राउंड और ग्रीन कितने हैं राउंड और ग्रीन कितने हैं यहाँ पर थ्री वन टू थ्री राइट उसके बाद तीन तो रिंकल्ड हैं तीन रिंकल्ड हैं ये रहे आपके तीन ये वाले तीन तीन जो जो हैं रिंकल हैं ये वाले तीन जो हैं राउंड और ग्रीन वाले और उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो आपको देखने को मिल गए ग्रीन सिर्फ एक ही है क्योंकि बिल्कुल जो रिसेसिव वाला पार्ट है, वो सिर्फ एक ही है। तो आपका रेशियो क्या बन गया नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन याद रखिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में यही होता है और जब आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अंदर आपका रेशियो होता है ये था आपका यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्रॉस जो मैंने आपको समझा दिया अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कम्बाइंड इन हाईब्रिड जब दो पेयर दो पेयर के ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है एक साथ उनमें से एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा यानी कि सेपरेट हो जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और दो डिफरेंट टाइप के पेयर्स जो हैं ट्रेड्स के वो एक साथ कंबाइन होने के बाद सेपरेट हुए हैं उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ठीक है देखते हैं आपके इसमें क्या दिया हुआ है इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आपने फिगर में देखा द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन रिंकल ग्रीन अपीयर टू बी इन द रेशियो नाइन रेशियो थ्री रेशियो वन एक्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट करेक्ट ओके सच अ रेशियो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडी ये रेशियो कई पेयर्स के लिए देखा गया जो मेंडल ने पढ़े थे ठीक है ये सेम रेशियो द रेशियो नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ थ्री येलो ग्रीन विद थ्री राउंड एंड वन रिंकल्ड एग्जैक्टली ये डेरिवेशन इसके लिए लिखी जा सकती है कि जब तीन राउंड और एक रिंकल होंगे तीन येलो uh, और एक ग्रीन होगा तो हो सकता है नाइन राउंड येलो थ्री रिंकल्ड येलो थ्री राउंड ग्रीन सिंपल सी चीजें यह चीजें आपको रटनी नहीं है आपने क्रॉस किया है आपको समझ में आ जाएंगी आपको क्रॉस जैसे आप कराओगे दो डिफरेंट डिफरेंट पेयर ऑफ एलियस को तो आप एग्जैक्टली exactly यही सेम चीज आउटपुट दे पाओगे अगर आपने क्रॉसिंग ओवर सीख लिया है तो ठीक है बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे द क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरेंट इन टू ट्रेड्स मेंडल प्रपोज द सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन मेंडल ने यहाँ पर एक सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइज जनरलाइजेशन दिखाया यहाँ पर उसने प्रपोज किया कि नहीं ऐसा भी हो सकता है मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट भी बहुत इजीली देखने को मिल रहा है कैसे दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको दूसरे कलर से करते हैं व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड जब दो पेयर होते हैं ट्रेड्स के वो एक साथ उनको कंबाइन कर देते हैं हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ उनको कंबाइन करना ठीक है तो उनको कम्बाइन कर दिया तो उनमें से कोई एक पेयर ऑफ ट्रेड जो है सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द अदर वन ठीक है और वो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट दैट्स व इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट राइट तो अब इसके अंदर क्या है कि सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है मैं आपको रीड तो कर दूंगी ये चीज़ मैंने लास्ट वाले में आ, मिस कर दी थी ये चीज़ मैंने मिस क्यों की थी बिकॉज मैंने वो चीज़ क्रॉस में आपको समझा दी थी राइट right? तो यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट में इतना कुछ नहीं गिवन है आपको सिंपल शब्दों में क्या समझना है द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग मिओसिस म्यूसिस के दौरान ही होता है क्रॉस ओवर राइट एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड द पोलन इन एफ वन जनरेशन विच इज आर आर वाई वाई क्यू बिकॉज आपको पता है यहां पर राउंड और येलो कलर का प्लांट आएगा या फिर राउंड और येलो कलर का सीड आए सीड आएगा राइट कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन व्हिच इज राउंड आर एंड आर 50% ऑफ द गैम हैव ऑफ द जीन आर 50% के पास ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट वाला आर है और 50% के बाद रिसेसिव वाला आर है यानी कि राउंड है और रिंकल्ड है नाउ बिसाइड्स ईच गैमिट हैविंग आइदर आर और आर इस चीज़ को अगर हम पीछे छोड़ें कि आ, किसी एक गैमिट के पास आर यानी कि राउंड वन है और किसी के पास रिंकल्ड वन है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके कि पास आ, येलो है और किसके पास ग्रीन है येलो मीन्स कैपिटल वाई ग्रीन मतलब स्मॉल वाई द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर रिमेम्बर इज़ दैट सेग्रीगेशन ऑफ़ फिफ्टी परसेंट आर एंड फिफ्टी परसेंट आर इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ़ फिफ्टी परसेंट वाई एंड फिफ्टी परसेंट वाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं दो डिफरेंट तरीके के अपने अलील लिए ठीक है दो डिफरेंट तरीके के ट्रेड लिए ये दो डिफरेंट तरीके की ट्रेट अब जो चीज़ ये करेगा ये आपस में जुड़े हुए नहीं है ठीक है इसमें क्या आएगा बाहर इसमें आएगा आर और इसमें क्या बाहर आएगा वाई ये आपस में बन गए तो फिफ्टी परसेंट चांसेज इसके होते हैं फिफ्टी परसेंट चासेज इसके होते हैं तो इसलिए अब ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ये अपने आप को शो करने के लिए अपनी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और जो हमारे राउंड और रिंकल वाला है ये वाला सॉरी येलो और ग्रीन वाला पार्ट है वो भी राउंड और रिंकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइट तो यही चीज पे बताई हुई है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस तरीके से होता है यहाँ पर दे आर फिफ्टी परसेंट ऑफ द आर बीरिंग कै मीट हैज वाई पचास परसेंट जो कह सकते हो तो आप जो रिंकल्ड सीड्स थे उनके पास येलो कलर हो सकता है और पचास परसेंट जो हमारे ग्रीन कलर के जो सीड थे उनके पास रिंकल्ड हमारे सीड हो सकते हैं ओके सिमिलरली फिफ्टी परसेंट ऑफ द आर बियरिंग गैमिट्स हैज़ वाई फिफ़्टी परसेंट जो राउंड हमारे सीड्स हैं उनके पास येलो कलर है और फिफ्टी परसेंट के पास ग्रीन कलर है दस देयर आर फोर जीनो टाइप ऑफ गैमिट इसलिए यहाँ पर चार डिफरेंट तरीके के जीनो टाइप्स बन सकते हैं गैमिट्स के वो क्या हो सकते हैं कि आर और वाई यानी कि राउंड एंड येलो आर एंड वाई राउंड एंड ग्रीन ठीक है आर एन वाई क्या हो सकता है रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि वन फोर्थ सबकी कंडीशन यहाँ पर प्रोड्यूस है फोर टाइप एंड ऑफ पुनट स्क्ट इज वेरी इजी टू डिराइव दिशा आपको जब आप पोनेट स्क्वायर बनाते हो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको सिखाया था कैसे आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे कैसे पुनेट स्क्र बनाओगे तो उसके अंदर आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपोजिशन है ना जयगॉर्ड की गैमिट्स जब मिलते हैं और एक आउटकम बनता है ऑफरिंग बनता है वो बहुत ईजी हो जाता है ठीक है तो आप इस चीजों को इजीली कंसीडर कर सकते हो तो विथ दैट इट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मेंडल का काम किस तरीके से रिडिस्कवर किया गया था मेंडल तो उसको मिला नहीं था उसको काम वो मर गया था ठीक है तो उसके काम का उसको सबाशी जो बोलते हैं हम उसके काम की उसको सराहना जो मतलब का काम जाना गया वो उसके मरने के बाद जाना गया और किस थ्योरी की वजह से जाना गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है उसके लोगों ने आए साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने उसके काम को देखा तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाले आने वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को सब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया है विद थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय